हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी बेसन, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, उसके बाद मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। आप जितना तीखा चाहते हैं आप उतना मिर्ची पाउडर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ पर खाने का सोडा डाला है, यानी बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाला है, उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है और अच्छा सा बैटर बना लेना है। इस तरीके से ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद सेकंड हम लोग को यहाँ पे ब्रेड लेना है। ब्रेड मैंने यहाँ पे लिया है इस तरीके से, इस पे मैंने आलू डाल दिया है, ये देखिए, और इसे प्लेन इसमें अच्छे तरीके से बिछा देना है। उसके बाद इसे बीच से मोड़ देना है, बिल्कुल इस तरीके से मोड़ देना है। ये देखो, इस तरीके से ये भी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हमको इसमें डिप करना है, जो हम बैटर बनाया है इसमें हमको डिप कर लेना है। दूसरी ओर मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे बैटर में डिप करेंगे, इसे पूरी तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद गरम गरम तेल में हम इसे डाल देंगे, इस तरीके से हम इसे डाल देंगे, इस तरीके से दूसरा भी हम इसमें डाल देंगे, ये देखो, और इसे बीच बीच में हमें पलटते रहना है जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे तरीके से बन गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनकर रेडी हो गए हैं। इसे मिर्ची की चटनी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। मिर्ची की चटनी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अचार के साथ इसे सर्व किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।